नमस्कार, आईटीवी हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम श्रीवास्तव। छठ पूजा बिहारियों की सबसे बड़ी पूजा के रूप में जाना जाता है। बिहार में बड़े धूमधाम के साथ छठ पूजा का आयोजन होता है। वैदिक काल से छठ पूजा चली आ रही है। बिहार के साथ साथ उत्तराखंड में भी छठ पूजा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अवकाश घोषित किया और उत्तराखंड में भी जगह जगह छठ पर्व मनाया गया। मान्यता है कि देव माता अदिति ने की थी छठ पूजा। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुर के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवराणे के सूर्य देव मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुर पर देवताओं की विजय दिलाई। कहते हैं कि उसी समय देवसेना पष्टी देवी के नाम से इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन शुरू हो गया। इसी मान्यता के अनुसार वैदिक काल से छठ पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। बिहार में सबसे बड़ा पर्व के रूप में छठ पूजा को जाना जाता है। बिहार समुदाय के लोग पूरे भारतवर्ष में विभिन्न जगह रह रहे हैं। उत्तराखंड में भी बिहारी महासभा ने जगह जगह पर छठ पूजा का आयोजन किया। हाँ, छठ का पर्व जो है स्पेशली बिहार का और यूपी का मेन पर्व है, जो कि हमने उत्तराखंड में देहरादून में फर्स्ट टाइम ही किया है। इस बार बहुत कुछ सीखने को मिला है। बेसिकली इसमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कैसे साफ़ सफाई से हर काम साफ सुथरे ढंग से किया जाता है। कुछ भी मिलावट नहीं, कुछ भी मैल्यूट्रिशन नहीं, इस तरीके से किया जाता है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। देहरादून के कई स्थानों पर छठ पूजा की गई। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी छठ पूजा करने वालों की भीड़ भारी मात्रा में देखी गई। यह पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है। लोक आस्था का पर्व हमारा छठ पूजा 31 तारीख को नहा खाए शुरू हो गया। इस क्रम में 1 तारीख को खरना का प्रसाद का कार्यक्रम था। आज हमारा डूबते सूरज को अर्घ देकर आज हमारा छठ का पहला अर्घ प्रारंभ हुआ। बिहारी महासभा इसको पूरे देहरादून में बड़े धूमधाम से आयोजित करती है और ये चपकेश्वर के प्रांगण में, चंद्रमणि, प्रेमनगर, सब जगह करीब हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अर्घ देते हैं। तो आज हमारा ये डूबते सूरज को अर्घ देकर ये हम संदेश भी देते हैं कि डूबता हुआ सूरज ये हमारे लिए ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण है, और फिर उसके बाद कल हमारा उगते हुए सूरज को अर्घ देकर ये व्रत समाप्त होगा। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष पाष्टी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल में मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है तथा मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ पर्व के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा, तब उनकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मृतिका पष्टी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पष्टी तिथि छठ को एक विशेष खगोलिक परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभाव से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। छठ पर्व एक महत्वपूर्ण पर्व है हमारे हिंदुस्तान का, जो बिहार और अन्य प्रदेशों में मनाया जाता है। अब तो उत्तराखंड में भी काफ़ी लोग इसको मानने लग गए हैं। तो हम लोग आज कहते हैं, हमने कहा आज हम माँ गंगा के दर्शन करेंगे, सूर्य भगवान को हम लोगों ने सब लोगों ने जल चढ़ाया, और छठ पर्व हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सबके पूरे देशवासियों को एक अच्छा सुख और समृद्धि मिले। ऐसा है, ये छठ पर्व जो है पहले बिहार का था, अब उत्तर प्रदेश से विदेशों में भी फैल गया है। अमेरिका और देशों में, स्विट्जरलैंड, जर्मनी तक ये पहुंच गया। इसके बाद छठ मैया का मतलब है सूर्य भगवान को अर्घ देना,
और उगते हुए सूर्य को उषा कहते हैं। उनकी दो पत्नी हुई उषा और ईशा, तो उगते हुए सूर्य को उषा कहते हैं, डूबते हुए सूर्य को ईशा कहते हैं। यही छठ पर्व का महत्व है और ये सबसे बड़ा कठिन व्रत है। हाँ जी, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं अपने परिवार से हूँ पहले तो, और मैं छठ पर्व की सभी को बधाई देती हूँ, देशवासियों को। ये छठ पर्व सबके जीवन में खुशहालियाँ लाए, देश में उन्नति लाए, और मैं स्पेशली दीदी को बोलूँगी, मनोरमा दीदी, ये स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण भी हम लोगों के साथ खड़ी हैं, मुझे इसकी बहुत बहुत खुशी होती है। तो आपने देखा कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी छठ पर्व को बिहारी समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने मनाया। आप देखते रहिए आईटीवी हिंदुस्तान। नमस्कार।